स्टार में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, दर्शकों में जोरदार उत्साह, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत करें। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। बेहतरीन मुकाबला रवि बहादुरगढ़ बारोट वर्सेज श्याम ग्रेनाइट जयपुर के बीच। लवल सर्विस, पहली सर्विस श्याम ग्रेनाइट जयपुर की तरफ से। दोनों ही टीमें अपने आप में फाइनल के बिल्कुल दावेदार टीमें हैं, लेकिन दोनों में से देखते हैं कौन फाइनल में पहुंचती है। और ये खाता खोलती श्याम ग्रेनाइट जयपुर, वन लव सर्विस भाई श्याम ग्रेनाइट जयपुर। बहुत इस बार खराब शॉट, सर्विस चेंज, भालोट रवि बहादुरगढ़ के पास सर्विस, लव वन सर्विस भाई भालोट। अच्छा मुकाबला, बड़े प्रहार होंगे इस मैच में। दर्शक बिल्कुल निगाहें पूरी ग्राउंड पे, बॉल पे, खिलाड़ियों पे रखे हैं। ओए होए, बहुत चुस्त प्लेयर हैं भाई दोनों ही टीमों के। शानदार राइट बॉल, वल्लव सर्विस भाई श्याम ग्रेनाइट जयपुर। 21 अंक का एक मैच होगा, 11 पे कोर्ट चेंज होगा। करो करो भाई से करो। दूसरा सेमीफाइनल खेल समिति जाट हॉस्टल बीकानेर वर्सेस वीर तेजा क्लब गाडवाला के बीच खेला जाएगा। उससे पहले ये मैच बहुत लंबा मैच जाने की उम्मीद। बॉल को आज पता चलेगा किसके हाथ लगी है। शॉट, जबरदस्त शॉट। पिछली बार श्याम ग्रेनाइट टीम विजेता रही थी और सामने खेल रहे रवि बहादुरगढ़ विजेता रहे और जयपुर की टीम उप विजेता रही थी पिछले साल। इस बार दोनों टीमें फाइनल में, सेमीफाइनल में आमने सामने। दोनों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकलकर फाइनल में जाएगी? ओहो, बेहतरीन शॉट, बड़े ही जबरदस्त शॉट। अलग अलग कलाकारियां देखने को मिलेगी इस मैच में। ओहो जबरदस्त, बॉल काफी टाइम से हवा में, जबरदस्त शॉट। यह है टीटू, वाह भाई जबरदस्त शॉट, लेकिन नेटर बहुत ही चुस्त, और इस बार नेटर ने ब्लॉक किया। सर्विस चेंज करवाने में कामयाब रही रवि बहादुरगढ़ की टीम। लव वन सर्विस भाई भालोट रवि बहादुरगढ़। पिछली बार जब फाइनल हुआ था इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, लेकिन इस बार जयपुर की टीम में कमल नहीं है और रवि बहादुरगढ़ की टीम में शेरू ढाबा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने सेमीफाइनल मुकाबले में। ओहो गजब का शॉट, बढ़िया मुकाबला। यह है अंकित, ये रवि बहादुरगढ़, जबरदस्त खिलाड़ी। इस बार नेटर ने गलती की और सर्विस चेंज, वन लव सर्विस भाई श्री श्याम ग्रेनाइट जयपुर। वन लव, ये 21 का मुकाबला बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी टीम के खिलाड़ी गलती करने का कोई सवाल ही नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से इस बार चूके और सर्विस चेंज,
लव वन सर्वेश भाई बालोट रवि बहादुरगढ़। अच्छा मुकाबला सेमीफाइनल का पहला मैच बहुत शानदार शॉट बॉल अगले खिलाड़ी के पास इस बार बाहर गिरी और एक एक अंक का दोनों ही टीमों ने खाता खोला एक एक की बराबरी सर्वेश भाई बालोट रवि बहादुरगढ़। पहला सेमीफाइनल मुकाबला काफी रोमांचक मैच एक बराबर बड़ा ही रोचक मुकाबला बालोट बहादुरगढ़ वर्सेज जयपुर। दोनों ही फाइनल की प्रबल दावेदार टीमें हैं और यहां से एक टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। इसके बाद में दूसरा सेमीफाइनल वीर तेजा गाडवाला वर्सेज खेल समिति भी लक्की के मध्य खेला जाएगा। बहुत शानदार शॉट दर्शकों की जानकारी के लिए बता दा एक तरफ चप्पल वाली टीम है एक तरफ जूता वाली टीम है कौन भारी पड़े देगा नहीं। अब फटको तो के डकिंग वो लिठा हुआ नहीं बाकी वो पॉइंट नोट करना जरूरी है। पॉइंट में इजाफा 2-1 काफी अच्छा ये मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछला जो क्वार्टर फाइनल मैच हुआ था ये फतुई टीम की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है लेकिन इस बार जब शानदार था शॉट में ज्यादा ताकत थी नहीं इस बार ताकत लगाई है। बाड़ा ठोके तो कस होती है हाथ है का तोड़ो है आहा उनका बोलड़ी पड़ी तो दोरी। पिछला क्वार्टर फाइनल मैच 1 घंटा 40 मिनट से खत्म हुआ था और इस मैच में उम्मीद है 2 घंटे प्लस टाइम लग सकता है अगर इसी तरह चलता रहा तो। जिसकी सर्विस होती है वो अच्छे शॉट खेलते हैं पूरा फायदा उठाते हैं। ओहो पूरा वाद ले बड़ा ही अच्छा ये मुकाबला महाराजा सूरजमल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच। बहुत शानदार प्रयास नेटर के द्वारा बहुत शानदार नेट दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा और काफी अच्छा ये मुकाबला। दर्शक बिल्कुल साथ है कि किस तरफ वोटिंग करें वो समय का इंतजार कर रहे हैं। 3-1 जहां पलड़ा भारी होगा उसी तरफ दर्शक टूट पड़ेंगे जैसे पकौड़ों के ऊपर टूटते हैं वो इसी के इंतजार में है। लगातार पॉइंट अच्छा प्रहार एक और प्रहार कोई नहीं छोड़ रहा है। ओह इस बार अंडर एंड ड्रॉप डालने का प्रयास तो ड्रॉप ही डाल भाई जी। ओहो फटेड़ तो हाथों पड़ो नेट हम आगे काफी स्पीड से चल रहा है ये मैच वैसे देखे तो दोनों ही खिलाड़ी टीमों के खिलाड़ी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार तो भैया बिल्कुल देसी भाषा में अंबो दे दियो ये तो भैया अच्छा प्रहार कर रहे हैं सेंटर तो बार बार अंडरेड में ड्रॉप करने का प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। ओहो 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 बहुत शानदार नेटर के द्वारा इस बार बचा लिया गया ओरिजिनल बोली बाल तो वही हुआ है तकड़ो मैच चल रहा है लगातार पॉइंट 4-1 कंटिन्यू पॉइंट
रवि बहादुरगढ़ बालोद। 4-1 से जयपुर की बढ़त। शेयर कर दें आप जितने भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक शेयर जो बिल्कुल दर्शक निगाहों से टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि कब बालोड की टीम वापसी करती है और कब वोटिंग शुरू करें। एक और पॉइंट का इजाफा, ग्राउंड में आए 5-1 बैठे हुए हैं, बाकी खेल नहीं रहे इस मैच को। अब शेयर कर दें जरूर। कुछ साथी वो बैठे हैं, वो बोर्ड सही करना भाई, लक्ष्य बुक डिपो वाला बोर्ड थोड़ा सही करना, आपके पीछे जो बोर्ड लगा है उसको सही करना थोड़ा। लक्ष्य झुकाओ ना ना, शिव जी पूरा प्रयास करी लेकिन हराने बताए दो। अच्छा पूरे पे बटू फोटो देख रही है, फोटो में भी आत्मा है। इस बार अच्छा प्रार, एक और करारा बैक टू बैक प्रार, क्या गजब का मैच चल रहा है। ए मरुदरिया शॉट, मौका मिला था लेकिन सफल नहीं हो पाए पॉइंट लेने में। बालोट के खिलाड़ी दोनों ही तरफ से तकड़े प्रहार और तकड़ा डिफेंड है, ईंट का दबाव पत्थर से दे रहे हैं और नेटर की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अच्छा प्रहार, अच्छा जंप, लेकिन उतना ही सुंदर डिफेंड सामने वाले खिलाड़ियों के द्वारा। अब वाला पसीनों शुरू, जो इस बार भैया अच्छा काम किया, बहुत शानदार बाहर जा रही बॉल को संभाला। अभी तक पिंटू के हाथ से, टिट्टू के हाथ से कोई शॉट नहीं दिखा भैया। और इस बार ज्यादा दे दी भैया बाहर, एक बार फिर सेवा में परिवर्तन 2-5। एक बार फिर सेवा में परिवर्तन 5-2। अभी जाट छात्रावास परिसर में नेशनल खेले हुए 2023 जाट समाज की प्रतिभाएं जो पधार चुकी है उनका हार्दिक स्वागत है, और जो पधारे हैं जिन्होंने अभी तक नाम नोटेड नहीं करवाया है वो अपना नाम नोटेड करवा दे, मनफूल जाखड़ यानी मेरे को। हाँ भाई मनफूल जी नाम नोट करा दो, माना सम्मानित करी जितना भी नेशनल खेलोड़ा कोई आपका भाई बंधु आया है ठे तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा दिया। एक बार बड़ा सर्विस चेंज कराई है 2-5। ठोक रही है तो इधर सकन स्वाद आ कौन रही हो, ये कारण है पॉइंट डब बराबर करोगा तो। मरुदरिया मरुदरिया ठोके भाई तो। एक बार फिर चेंज 5-2। ओहो ये पॉइंट भैया 6-2। टाइम आउट बालोर टीम की तरफ से, पहला टाइम आउट। कुछ रणनीति यहां से बन सकती है वापसी करने की। इसके बाद में अगला सेमीफाइनल वीर तेजा गाडवाला वर्सेज खेल समिति बी के मध्य खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयार रहे, अभ्यास करके तैयार रहे भैया।
6-2 सर्विस जयपुर के पास है। जयपुर ने शुरुआत की जो बढ़त है वो लगातार बनाए रखी है और इसे कायम भी कर रखना चाहते हैं। टूट पड़े बोल के बाद दृढ़ हमारी आंखें दुखन लाग। टू मना कर रही है शॉट मारन वास्ते, ने खुद मारे ने कि नहीं मारन दे। दर्शक भैया इंतजार कर रहे हैं टीटू के शॉट का, कब आप शॉट लगाओगे, कब आउटिंग शुरू करें। अगर आपके पक्ष में आउटिंग करवानी है तो शॉट लगा दो आप। ओ टीटू, ओ वो पहला परली साइड में ठोके जो टीटू है, ओ है ओ हावड़ अड़क लिया, शॉट ठोक नहीं रही है, सिर्फ 100 में ड्रॉप कर रही है। दर्शक की डिमांड है भाई शॉट ठोके। हकलान तो मैं जानू कौन है। ओहो बहुत शानदार सर्विस चेंज कराने में सफल रहे। 2-6 काफी देर के बाद पॉइंट में इजाफा 3-6। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल। हॉस्टल का कोई छात्र अगर कैंटीन की तरफ है तो थोड़ी चाय की व्यवस्था कर दे भाई, ऊपर से आने लगे ऑलरेडी पड़ेगा नहीं। इस बार मौका मिला है बालोट टीम को, एक पॉइंट बटोरा भी है, लेकिन यहां से बराबरी तक आना जरूरी हो जाएगा। कोई भी गलती करने को तैयार नहीं है कोई भी खिलाड़ी। ओह तगड़ा प्रहार। इस बार मौका है बालो टीम के पास शॉट खेलने का और वैसा कर भी रहे हो थोड़ा सा। और ये अच्छा प्रहार, ये भी अच्छा प्रहार, ये भी अच्छा प्रहार। ओहो बहुत शानदार शॉट लगातार। नेटन कोई गलती नहीं करना चाहते भाई, शानदार नेट जयपुर के खिलाड़ी द्वारा। हाँ बॉल गिरने का नाम ही नहीं ले रहे, बॉल नहीं आज था तो पड़ी। ओ हो क्या बात है भैया, टिट्टू ने तो नहीं मारा लेकिन ये दूसरे हैं, इनका नाम क्या है सर जी? नन्नू शूटर है भाइयों, जोरदार ताड़िया बजाओ भाई नन्नू शूटर का। अंदर माने तो हिस्सा ही शॉर्ट साइज है भाईला। पॉइंट तो आप दो कोने गिना मन शॉर्ट ढाई सब चार एक आज ही नहीं तो गिरने की जरूरत रहेगा। 7-3 नानू शूटर, क्या बात है। टिट्टू तो फालतू चंडा वहां पर दो ठीक है। एक और पॉइंट का हिजाब 8-3 नानू के ला रहे हैं राजू शूटर, क्या बात है। अच्छा 8-3 8-3 ए 9-3 ट्रिपल पॉइंट। एक बार फिर दूसरा टाइम आउट, सॉरी दूसरा टाइम आउट लिया है बालोट टीम ने। एक प्रयास और रहेगा इनका रोकने का, लेकिन अब शूटर है वो गर्म हो गए भैया, अब ये रुकने वाले नहीं है। जी अंदर से पकौड़ा छोड़ रो ना आवे तो ये शूटर बॉल ने छोड़े।
एक बार टाइम आउट के बाद फिर से ओ हो राजू शूटर तैयार है भैया। और ये नानू शूटर इस बार मरुदरिया शॉट शॉट तो मारियो ताली बजा दो कट्ठा करी मारियो तो शॉट तो हो हाँ और नानू शूटर जीता है भाई जीता बोले हमला नेगा आपने यहाँ एक आधो मिस हुई थी अगर ये गलती कर बैठे इस बार नानू ने मौका दिया था लेकिन उस मौके को पॉइंट में तब्दील नहीं कर पाए। 9-3 सर्विस चेंज ओहो नानू शूटर भैया जंप शानदार और उतना ही शानदार शॉट और ये फंस गए नानू भैया और थुतकारो नाको की नजर नहीं कर दिए एक शॉट मारियो नानू तो वाले तीन खराब करवा दी अगर सेकंड बॉल 100 मिल जाती है टिट्टू को तो रेफरी जी बता रहे हैं कि वो शॉट इतना शानदार होगा कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा उसी का इंतजार है दर्शकों को। ओहो अच्छा प्रहार बहुत शानदार मुकाबला दोनों टीमों के मध्य पहला सेमीफाइनल मैच महाराजा सूरजमल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अच्छा प्रहार नेटर दोनों ही गलती नहीं करना था शानदार नेट खेल रहे हैं और ये काफी देर के बाद फिर से सर्विस चेंज 9-3 सर्विस चेंज तो करवा रहे हैं लेकिन पॉइंट में तब्दील नहीं कर रहे हैं वाह भाई ये शॉट आउट बॉल 10 हो गया भाई दर्शक तो ठा पड़े ये तो कई थार भोपा जाने नहीं पड़ा है नहीं अच्छा नारियल करने ही है के 10-3 ओह करारा प्रहार नानू है ये नानू का शॉट इस बार टीटू ने भी प्रयास किया भैया खरबूजे को देकर तरबूजे ने रंग बदला और इस बार शानदार बोली अभिषेक के द्वारा वहां रेफरी जी बैठे पास में आपके वहां बैठे बहुत शानदार बोली भैया ये जूनियर कमल थे जिन्होंने शॉट लगाया दर्शकों से निवेदन है भैया होटिंग जारी रखे अब अच्छे शॉट्स पे कमल जयपुर बोलीवाल के जो प्लेयर हैं उसके छोटे भाई हैं। ओहो आह Yeah.
ये अंकित है भैया, अंकित शूटर, ये तो है ही शूटर ही है। इतनी मानो थे बहुत शानदार शॉट दिखा रहे हैं भैया जयपुर के प्लेयर। कमल जयपुर की ये टीम है भैया। अच्छा प्रहार लेकिन उतना ही शानदार डिफेंड। स्कोर है भैया 10-3 10-3। काफी अच्छा मुकाबला। एक तरफ कमल जयपुर की टीम है, दूसरी तरफ शेरू ढाबा की टीम है भैया। ओ हो ये मैंने पहले कहा था टिट्टू और ये नानू। ओहो भैया कोई नहीं रुक रहा है, ये तो सारी कॉपी पेस्ट है एड तो। ओ गई भाई बार कोर्ट चेंज 11-3। तो भाई टिट्टू लास्ट में देखो शॉट दे क्यों थे, मैं क्यों मारी जनसो को मारी। कोर्ट चेंज के बाद एक बार पुणे मेसरू सर्विस जयपुर के पास 11-3। अब यहां से थोड़ी वापसी करनी होगी भैया, कैसे भी करके रोकना होगा, जो प्रहार हो रहे हैं इन्हें रोकना होगा। अच्छी शुरुआत की है, चेंज करवाई है, क्या पॉइंट में तब्दील कर पाएगी बालोट की टीम। ओह अब तो इनको पता है थोड़ा सा मैच टाइट करना ही होगा भैया बालोट को, अन्यथा मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये पॉइंट काफी देर के बाद चौथा पॉइंट। अबार बतावा नाम है जी, शॉट आई भी था नाम बताता। ओह और ये शानदार एक और पॉइंट। दर्शक भैया थोड़ा सा हौसला बढ़ाए टीम का, देखो वापसी हो सकती है और मैच बन सकता है यहां से 5-11। देखो कोर्ट का फायदा पहले उठाया था जयपुर ने और अब उठाएगी बालोट की टीम। और ये अच्छा प्रयास, यहां से अब लगातार पॉइंटों में तब्दीली करना चाहेगी भैया बालोट की टीम। पता है इनको बड़ा मुकाबला है, यहां से जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी तो प्रयास तो रहेगा। बालोट की टीम को भी आप हल्के में मत लेना, जैसा कि पिछला मैच आपको पता है क्वार्टर फाइनल खेल समिति बी के सामने फतुई टीम ने जो कमाल किया था। फतुई तो भाई कई दिन याद रही लोगों ने। अच्छा प्रहार, प्रहार का जवाब प्रहार से देना चाहते थे। ऊंची ऊंची दिया नाको कौन ला गए ना, तो दबे नाको ला गए।
ये एनर्जी बचा रहे हैं, अंतिम समय में काम आएंगे फायर ब्रिगेड। अभी एनर्जी बचा के रख रहे हैं, इनकी भी जरूरत पड़ेगी, एक समय आएगा इनका भी। ओहो ओहो, ये ग्राउंड हुई कमाल है, इन पाजा शॉर्ट चालू हुआ। जाट समाज की प्रतिभा जो 2023 में नेशनल खेलकर जो बच्चे आए हैं उनका सम्मान किया जाएगा। जितने भी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं वो अपना नाम, महाराजा सूरजमल जी की फोटो लगी हुई है, बड़ी ट्रॉफियां रखी हुई है, वहां आकर अपना नाम नोट करवा दे। जो नाम नोट करवाएगा उन्हीं को सम्मानित किया जाएगा, और जिन्होंने नाम नोट करवा दिया है वो खेल का आनंद ले। आपका प्रोग्राम बहुत ही जल्द होगा। पिछले 2 मिनट से लगातार बोल हवा में है, आज तो बॉल को फटना ही पड़ेगा भैया। ओ हो, गलती कर बैठे। सर्विस चेंज 11-5, 11-5। अच्छा परा। हेलो हाँ डोडी भाई, बढ़िया। सेमीफाइनल चल रहे, और ये अच्छा प्रहार, क्या बात है। तू तो भैया 100 में ड्रॉप करते हैं यार, शॉट कभी कभार मारते हैं, मारते हैं तो सामने से उठता नहीं है। नहीं रात में, ये टिट्टू का कमाल है। ओ ओ, फंस गए भैया, चेंज करवा ली भैया। और कटा है, जाओ जाओ मुंबई, लाइट कर दे थारी। 5-11 सर्विस चेंज, अब यहाँ से पॉइंटों में तब्दीली करो। सारा प्लेयर आगे जाओगे भाई, टिट्टू को अंडरहैंड बॉल अगर दे दे तो खेले कौन। ओ अंडरहैंड को तो वेरी पड़ी है, ट्रेन डब्बो बुक पूरा है। ओहो, ये क्या कर गए भैया, ऐसी गलतियां नहीं कर सकते आप, इतना बड़ा मैच है। 11-5 चलो, हाँ हाँ कोई बात। इसके बाद में जो सेकंड सेमीफाइनल होने वाला है, खेल समिति बी वर्सेस गाडवाला। खेल समिति बी के हेड कोच है मात्रा जी, वो कुछ रणनीति इसमें बना रहे हैं कि अगले मैच को लेकर कैसी रहेगी उनकी रणनीति, देखना रहेगा ग्राउंड में आने के बाद। पिछले मैच में तो सांस उनकी गले तक आ गई थी, फतुई के सामने बाल बाल बचे थे। अच्छा प्रहार, उतना ही सुंदर जबा। ओ हो रे वाह टिट्टू, क्या बात है, छा गए भैया टिट्टू आप तो। करो करो शेयर करो भाई, जितने भाई लाइव जुड़े हैं सिंह भी शेयर करी। अच्छा प्रहार इस बार, नानू का इंतजार कर रहे हैं कि नानू का शॉट कब आएगा। और ये अच्छा प्रयास, नेट टच हो गई इस बार भाई। सर्विस चेंज 5-11 पे मामला अटक गयो। कई कह जो 11 मत कह, अब चकोरियो काट लो जो पुराला वाह कर दी। पहले 6 बनते हैं 11 बनते हैं वो तो समय बताएगा। अच्छा प्रहार इस बार भैया फायर ब्रिगेड द्वारा। ओहो वाह क्या बात है, कमाल कर दिया इस बार तो भैया। पॉइंट बना है काफी देर के बाद, जोरदार तालियों से स्वागत करें दर्शक भैया, अच्छे शॉट पे ताली बजाओ आप। 6-11, 6-11। अच्छे मुकाबले में दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अच्छा प्रहार, Thank you.
ओहो ये देखो शॉर्ट से चेंज करवा ली वापस जयपुर ने 11-6 सर्विस चेंज। हाँ पैर स्लिप हो रहे थोड़ा पानी लेके आए भाई सट को लाओ पानी वालो खेल समिति की सदस्य कोई भी आवाज सुन रहा है तो भैया पानी की व्यवस्था करें ग्राउंड में छिड़कने के लिए लगे भैया भेज दो होगी होगी व्यवस्था होगी पाइप लिए तैयार ही खड़े पॉइंट है जयपुर 11 बालोट 6 सर्विस जयपुर के पास है पानी के छिड़काव के बाद एक बार पुणे में शुरू होगा बस हल्का हल्का ही बाना जी फिर सुकड़ने के लिए इंतजार नहीं करना पड़े बस 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 मुन्ने कम नहीं रह गया भाई चप्पल वाली टीम है अरे मानने फिर दिया या क्या करो ठीक है भानु जी ठीक है अरे खिलाड़ी छांडो ना लगे थे ठंडा करो ला मसा गर्म हुआ है खिलाड़ी ने गर्म मेरे हम थे सर्विस जयपुर के पास जयपुर 11 बालोट 6 एक बार पुणे पहले सेमीफाइनल मैच का आनंद उठाते हुए सभी दर्शक चेक कर लो भाई चेक कर लो आराम से दो मिनट रुक जाओ दर्शकों से निवेदन है भैया थोड़ा संयम रखे जगह देख रूटीन क्रिया करो रे सर्विस जयपुर के पास 11-6 हाँ जी रेडी रेडी सेकंड लाइनमैन
तो भैया दर्शक भी चाहते हैं कि वो ज्यादा देर ऊपर नहीं रुके। हाँ ओहो हो, अब मैं दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे थे लेकिन अब हुटिंग करने का समय आ गया है। ओ बाल बाल बचे भाई इस बार। ओहो अच्छा प्रहार। ओहो ओ ये बार पॉइंट में जाबा 12-6। आखिरकार दर्शकों ने एक पॉइंट का इजाफा करवा ही दिया। बारह छह डबल पॉइंट जयपुर 12 बालोट 6 छह पॉइंटों का अंतराल। और तेरे 13-6। अगला मुकाबला खेल समिति बी वर्सेज वीर तेजा गाडवाला। तैयार हैं दोनों टीमें। ग्राउंड नंबर 1 पर खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। ओहो टिट्टू का अच्छा ड्रॉप लेकिन नेटर बहुत शानदार भैया बालोट का। ओ अच्छा प्रहार। इस बार सर्विस चेंज कराने में सफल हुए काफी देर के बाद। 6-13 सर्विस चेंज। अच्छा प्रहार और ये टिट्टू का शॉट भैया और एक और शानदार शॉट। राजू बहुत शानदार शॉट जो कि कमल के छोटे भाई है राजू भैया कमल जयपुर वॉलीबॉल में बड़ा नाम है जिनके छोटे भाई है कमल के छोटे भाई है राजू और राजू के बड़े भाई है कमल। अब जान दिया थे। ए देखो फायर ब्रिगेड आ गया मैं क्यों एनर्जी बचाने खातर लार गए उड़े अब बचीड बोली। अच्छा प्रहार एक और अच्छा प्रहार भैया ये कमाल के शॉटर है। 6-13 सर्विस चेंज। ओ काफी देर के बाद एक पॉइंट का इजाफा 7-13। काफी अच्छा ये मुकाबला। ओहो ये भैया काम आएंगे अब जो एनर्जी इन्होंने बचा के रखी थी थर्ड में जाके भरपूर उसका फायदा उठा रहे हैं और दर्शकों का भी साथ मिल रहा है इनको। ये गलती कर बैठे जी। रवि बहादुरगढ़ जो कि सेंटर खेल रहे हैं बालोट टीम में
काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर रवि बहादुरगढ़ की टीम जीती है तो नवल जी कड़वासरा की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। जोरदार तालियां बजाएं भैया। पिछली बार इन्होंने फतुई को देने की घोषणा की थी, लेकिन मैच अच्छा खेली थी, फतुई हार गई थी मैच। इस बार रवि बहादुरगढ़ के लिए घोषणा की है। सात 13 सर्विस चेंज और रवि बहादुरगढ़ सेंटर में खड़े हैं और प्रयास भी कर रहे हैं भैया। इन्होंने पूरी एनर्जी इस मैच में बचा के रखी है और अब पूरी एनर्जी दिखानी पड़ेगी इस समय। अच्छे प्रहार कर रहे हैं और अब थोड़ी देर के लिए अर्चन जी से निवेदन करूंगा कि वो माइक संभाले भैया। सात 13 सर्वेश भाई रवि बहादुरगढ़। अगला सेमीफाइनल मुकाबला वीर तेजा क्लब गाडवाला वर्सेज खेल समिति जाट छात्रावास बीकानेर के बीच खेला जाएगा। दोनों इस मैच के बाद दोनों टीमें तैयार हैं। बहुत अच्छा शॉट, अच्छा जवाब, आउट। इस बार अंक में इजाफा होगा 8-13 सर्वेश भाई रवि बहादुरगढ़। धीरे धीरे रवि बहादुरगढ़ की टीम अपने अंकों में इजाफा करती हुई, पिछली बार पिछले साल के टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें फाइनल में खेली थी। जयपुर की टीम उपविजेता, रवि की टीम विजेता रही थी। जय हो। एक और बड़ी घोषणा, रवि बहादुरगढ़ टीम अगर जीती है तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार मुकेश जी सारण गार्ड वाला। मुकेश जी सारण है गार्ड वाले का, जकागढ़ जयपुर रोड मत घेवर की दुकान लगाउड़ी है, मजूलडी करुड़ी है, 2100 रुपए टेगी। जोरदार ताड़िया बजाओ भाई मुकेश जी खातर। हाँ एडवांस ले रहा है, बाद में करिए घोषणा। रिपिया मैं एडवांस ले रही करूं घोषणा। लाडली बार चौपड़ी जियो भाई। नवल जी कड़वासरा रवि बहादुरगढ़ टीम अगर जीती है तो 1100 रुपए और मुकेश जी सारण गाडवाड़ा जगह की जयपुर रोड मत घेवर की दुकान है, फेवरेट मीठी मीठी घेवर ला सको, 2100 रुपया घोषणा करिए। आदमी कलडा कौन लगता उठा पड़ जी, लेकिन संघर्षशील है वो, संघर्ष करवा दी। वाह भाई, यह है रवि बहादुरगढ़ का शॉट, बहुत शानदार करारा प्रहार। आठ 13 1100 और 2100 3200 रुपए की घोषणा रवि बहादुरगढ़। 3200 रुपए की घोषणा होते ही रवि भी जोश से धनाधन शॉट लगाने लगे हैं भाई। ओहो इस बार चूक, सर्विस चेंज 13-8 13 जयपुर 8 रवि बहादुरगढ़। अच्छे शॉट में लगातार धनाधन। ओहो
जबरदस्त शॉट। दिया रोशनी के अंदर ये सेमीफाइनल धीरे धीरे जाता हुआ। आउट बॉल और ये अंक में इजाफा हो गया 14-8 सर्वेश भाई श्याम ग्रेनाइट जयपुर। जो साथी ऊपर है सारे नीचे आ जाओ भैया। अरे अलाउड ही नहीं है भैया ऊपर। अरे नीचे आ जाओ प्लीज, आपसे निवेदन है सभी नीचे आ जाओ और गेट बंद कर दो। और लाइटमैन से निवेदन है कि एक नंबर ग्राउंड में आए भैया लाइटमैन तुरंत प्रभाव से। भाई आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज यार, सभी नीचे आ जाओ भैया। अरे आवे नीचे आवे, रोड़ा ना करो। ए हॉस्टल का छात्र है भाई, ऑब्जेक्शन करे। बाकी अट गाइडलाइन भी है, ऊपर जानो मनना भी है। पोकाल मैं थोड़ा गेट खुलवा दियो लाइव वास्ते, एक बार निवेदन है थारो नीचे आ जाओ। काफी अच्छा ये मुकाबला दोनों ही टीमें इस ग्राउंड में संघर्ष करती हुई। भैया ये फायर ब्रिगेड का फायर, क्या बात है, जलवा भी खेल रहा है रवि बहादुरगढ़। हाँ हॉस्टल के गार्ड है श्रवण जी गोदारा, संपर्क करें भैया एक बार। फायर ब्रिगेड नाम रखा है दर्शकों ने रवि का, भैया बच के रहना होगा फायर ब्रिगेड से। भैया नानू के थोड़े से शॉट दिख नहीं रहे दर्शकों को, नानू का इंतजार कर रहे हैं। चिगाओ मत भाई, टच पत में कैसे भी आओ पॉइंट आने चाहिए। अपनी अपनी चालबाजी सभी प्लेयर दिखा रहे हैं और इस बार मिस जजमेंट और इसका फायदा पॉइंट काफी देर के बाद 9-14। काफी देर के बाद पॉइंट मिला है, 13-14 पे पहुंचे और इधर 8-9 पे पहुंच गए। रड़का तो कटारिया दोना पासे बाइट, बड़ा ही रोमांचक ये सेमीफाइनल मुकाबला महाराजा शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता, दो दिवसीय प्रतियोगिता जो कि कल शुरू हुई थी जिसका समापन आज होना है। ओहो दोनों टीम के खिलाड़ियों का हाथ बिल्कुल अब गर्म हो गया है, रुकने को नाम ही नहीं ले रही है। ये तो यही करी भाई, इन्होंने तो टीटू की कॉपी कर ली। और अब की बार थोड़ा ज्यादा लगा दिया जोर। जी भैया जो ये ड्रॉप बाहर निकाला था इनका मैं नाम बता देता हूं, जीता जीता नाम है इनका, आप इनको चित्ता भी कह सकते हो। अब जीता नाम है तो जीत की ओर तो बढ़ेंगे ही, नाम ही इनका जीता है और काम जीत वाले कर नहीं रहे हैं, काम जीत वाले करो भैया। ये जीता अभी जीता ग्राउंड में है तो सामने वाली टीम को आसानी से नहीं जीतने देंगे। कमाल, एक बार फिर सर्विस चेंज कराने में सफल रहे। मैं सभी जितने भी दर्शक मानुभव आए हुए हैं आपसे निवेदन है, बाहर जो कुर्सियां लगी हुई है आप उस पर विराजमान हो, आराम से मैच का आनंद लो। भाई, 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 भाई।
जय हो जय हो जय हो। मैच में बिल्कुल रोमांच इस समय। ओहो जीता का प्रयास सफल होते होते बचा इस बार जबरदस्त बाली, जबरदस्त बाली, लेकिन उतना ही शानदार वहां पर जवाब, बाल बाल बचे थे भैया। भैया ये अभिषेक है बालोट के, और कमाल कर रहे हैं, कमाल जलवा बिखेर रहे हैं एक मैदान में। भैया इस नेटर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो यार, क्या कमाल के नेट खेल रहे हैं आज। और ये राइट बहादुरगढ़ के रवि है ये भैया, एक और पॉइंट का इजाफा 10-14। जयपुर ने लिए है टाइम आउट इस समय, शेयर कर दो कैमरे के 10 चार ही पॉइंट की बात है। बताओ बालोट, अगर बालोट की टीम ये मैच जीती है तो नवल जी कड़वासरा की तरफ से 1100, मुकेश जी सारण गाडवाला की तरफ से 2100 रुपए नगद पुरस्कार। सेमीफाइनल मैच चल रहा है, शेयर कर दें आप जिसने भी लाइव भाई। दर्शक है कि नवल जी से करीब भी आया जगह टांग एट कर दे रहते हैं। दस चौदह को मुकाबलो है, दर्शक ने थोड़ा थोड़ा स्वाद आउट लगी हो बे का मैचड़ो तो मन ही तकड़ो। अरे दर्शक आप सिर्फ एक दूसरे की रीली ना काटो दे यार, बेइज्जती ना करो यार। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो जय हो। मैच का मजा लोगे कौन, एक बार फिर मैच शुरू होता हुआ टाइम आउट के बाद, बालोट 10 और जयपुर 14। अच्छा ये मुकाबला आप तो राजू डेरी बूथ शेयर कर दे भाई आप। लाइनमैन ले शेर भाई ले लो मामा। नहीं नहीं मनु भाई, हाँ लाइट मैन अगर मेरी आवाज सुन रहे कहीं प्लीज आपसे निवेदन है आए लाइट मैन। टीम के एक दो प्लेयर आए थे वो अच्छा प्रहार, एक और खेल गए फायर ब्रिगेड, गलती कर बैठे इस बार। 14-10 सर्विस चेंज, मौका है इस समय जयपुर के पास बड़े शॉट खेलने का। भैया प्रहार कर सकते हो इस समय आप, सर्विस आपके पास है, दिखा सकते हो भैया नानू क्या कैंची का कैंसा मारी है आज तो। अच्छा प्रहार, और ये गलती कर बैठे, जरूरत नहीं थी भैया यहां पर। पॉइंट का इजाफा 15-10 इस बार अभिषेक ने गलती कर दी भैया। मौका था लेकिन नेटर थोड़ा सा संयम खो बैठे इसे में, जल्दबाजी कर बैठे। ओ
कभी अच्छा ये मुकाबला अब तक, और ये अच्छा प्रहार। पिट्टू जो शॉट मारते हैं वाकई खतरनाक शॉट मारते हैं भैया, या तो मारते नहीं, मारते हैं तो अच्छा मारते हैं। ड्रॉप पे ज्यादा विश्वास रखते हैं टिट्टू और जीता। ये लो दोनों ही साइड कमाल गई है भैया, दोनों ही ड्रॉप अच्छे खेल रहे हैं। पंद्रह दस डाल रही है, बॉल ऊंची है के हुई, देखो अब नाड़ो समय बता ही। सोलह तो हूं दे कोनी, जीता का कमाल, वाह भाई जीता, जोरदार ताली भैया जीता, नाम इनका जीता है, जैसा नाम वैसा काम। मौका है इस समय रवि के पास प्रहार करने का, यहां से पॉइंट बटोर सकते हैं और यहां से कम दो से तीन पॉइंट लेने होंगे रवि को, नेता मुश्किल में फंस सकते हैं भैया। सिर्फ जीतता एक प्रयास कर रहे हैं, अच्छा हेलो हेलो। जो विद्यार्थी अपने समाज के 2020 में नेशनल खेल कर आए हैं वो सभी महाराजा सुल्तान जी का जो अपना एक तरह का पोस्टर लगा हुआ है वहां पर अपना नाम नोट करवा दें। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। रवि बहादुरगढ़ की टीम के नेटर के लिए आदर्श स्कूल गोसाई सरबड़ा की तरफ से 200 रुपए का नगद पुरस्कार, जोरदार तालियां में। अच्छा खेल नेटर का, अच्छे खेल पे अच्छी घोषणा, बिल्कुल एक हक होता है नेटर का और बिल्कुल वही पूरा किया। ग्यारह पंद्रह अब देखते हैं 12वां अंक या 16वां अंक किसके हाथ से कौन सा खिलाड़ी अपनी करामात कलामात कलात्मक तरीके से निकालता है, दर्शक उसकी निगाहें। ओहो ये जीता जी भाई, जीता जी तो कभी कभी मामला गोल कर देते हैं। दुर्गा राम जी हुटर कहां है भाई, दुर्गा राम जी हुटर जीता जी के फेवरेट है। बहुत अच्छा शॉट, पंद्रह ग्यारह बहुत बढ़िया। दोनों ही टीमें बिल्कुल कांटे की टक्कर का मैच, कमेंट्री बॉक्स पे पकोड़े और चाय भिजवाए भाई। स्कोरर रेफरी साहब सब एक बार सुस्त हो रखे इसलिए थोड़ा इनको, तो हो
बहुत बढ़िया शॉट। ओ जीता जी ने फिर एक कमाल, ये जीता जी ने कर दिया सामली टीम के 16-11। जीता जी सामने वाली टीम के लिए भी खेल रहे हैं। सर्विस चेंज 11-16 सर्विस भाई रवि बहादुरगढ़, इस बार रवि खुद सर्विस पे गए हैं। ओहो जबरदस्त प्रहार, इस बार हवाई शॉट, हवाई शॉट के साथ सर्विस चेंज, सर्विस रहेगी श्री श्याम ग्रेनाइट जयपुर के पास 16-11। अगला सेमीफाइनल मुकाबला खेल समिति जाट हॉस्टल बीकानेर वर्सेस वीर तेजा क्लब गाडवाला के बीच होगा। दोनों टीमें इस मैच के बाद कमर कस के तैयार रहें। अच्छा मैच, खिलाड़ियों की नजरें बिल्कुल बॉल पे टिकी हुई और खिलाड़ियों की नजर बॉल पे, बॉल की नजर पॉइंट पे। वाह जबरदस्त प्रहार भाई, धना धन सौ। ओहो बार अंक में जरूर इजाफा होगा 17-11। टाइम आउट रवि बहादुरगढ़ की टीम की ओर से। टाइम आउट वाला पेज खाली है। पॉइंट 17-11। वाह भाई वाह, मैच रेफरी का निर्णय ध्यान से सुने, खिलाड़ी मैच रेफरी साहब से ना उलझे। 18-11 बार जबरदस्त शॉट भाई, उतना ही अच्छा जवाब था ना धन। पहला सेम फेल हो, अमेरिका के सामने। ओहो इस बार कलात्मक पॉइंट भाई, दूसरी साइड जयपुर की टीम है रवि बहादुरगढ़ के द्वारा। बाकी सर्विस टेन ऊपर देख सकते हैं 11-18। नेटर की भाई जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इस बार जीता जी पीछे गए हैं। ओ आप एक और, इस बार काफी टाइम के बाद अंक में इजाफा, रवि बहादुरगढ़ के टीम का स्कोर
उछलता कूदता नाचता गीत गाता बारह पे जा पहुंचा और शाम ग्रेनाइट का स्कोर अभी 18। वाह, कुछ भी नहीं कह सकते अभी इस मैच का, क्योंकि पिछले मैच में फतुई ने बहुत पीछे से फतेह करने की कोशिश की, मामूली से वंचित रह गए जीत से। जबरदस्त शॉट भाई, ये है भाई हथौड़ा, कोई मुकाबला नहीं। इसी के साथ बिल्कुल अंक मिलेगा रवि बहादुरगढ़ को अपनी टीम के लिए, स्कोर जा पहुंचा 13-18, मात्र 5 अंकों की अभी दूरी तय बराबरी के लिए। कमेंट्री बॉक्स पे पकोड़े और चाय भिजवाए भाई, पकोड़े और चाय कमेंट्री बॉक्स पे। ड्रोन की निगाहें फिर इस मैच पे, ड्रोन यहां से दूर रहना भाई, ये हमारे वाली टीम नहीं है भाई। चौदह 18 सिर्फ 4 अंकों की दूरी बराबरी के लिए। वाह भाई वाह, जबरदस्त मुकाबला, धीरे धीरे मौसम भी पकौड़े और मैच के लिए अनुकूल होता हुआ, और इसी के साथ एक अंक में इजाफा रवि बहादुरगढ़ की टीम के लिए, स्कोर जा पहुंचा 15-18। वाह भाई वाह, धीमे धीमे कदमों से रवि बहादुरगढ़ श्याम ग्रेनाइट के पास पहुंचते हुए, यह जबरदस्त भाई, धीरे धीरे दर्शकों में बड़ा जबरदस्त उत्साह। वाह भाई वाह, कोई चेंज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई पॉइंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी टीमों के लिए सभी खिलाड़ी जी जान से प्रयास कर रहे हैं। ये इस बार जीता जी का कोई मुकाबला नहीं है, चल जाए तो सामने वाली टीम के लिए भी प्लस रहते हैं। वाह जबरदस्त भाई, ओहो इस बार तो भाई रवि बहादुरगढ़ ने खुद ने ही कुछ गंडासा उल्टा चला दिया, और सर्विस चेंज 18-15। महाराजा सूरजमल चतुर्थ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी महामानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जाट समाज 2023 के जो नेशनल प्लेयर खेलकर आए हैं, जिन्होंने नाम नोट करवा दिया है, वो खेल का आनंद ले, आपका बहुत जल्द प्रोग्राम होगा। जिन्होंने नाम नोट नहीं करवाया है, वो महाराजा सुरमल जी का पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ ट्रॉफियां रखी हुई है, आपका मंच बना हुआ है, वहां जाकर नाम नोट करवा दे अपना, चाहे वो गार्जियन आया हुआ हो, चाहे खिलाड़ी खुद आया हो, और जिन्होंने नाम नोट करवा दिया है वो खेल का आनंद ले। जयपुर के और 15 इस साइड रवि बहादुरगढ़ के, और जो खिलाड़ी नेशनल खेले हुए क्वालिफाइड जो है वो वहां उस मंच के सामने जाकर बैठे हैं, क्योंकि उनका सम्मान होना है इसलिए मंच के पास बैठे हैं। मंच के उस तरफ वहां साइड में जगह है, वहां पे मौजूद कमेटी के लोग जो खड़े हैं वो बता देंगे, वहां जाके बैठे हैं ताकि नाम बोलते ही स्टेज पे पहुंचे आसानी रहेगी, समय की बचत रहेगी। सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। 19-15, वाह भाई 19-15 मामला। ओहो
शॉट था जवाब, लेकिन अच्छा जवाब भी वहां से, बहुत अच्छा खेल दोनों ही शानदार टीमें, पिछले साल की दोनों ही टीमें फाइनल खेली थी, रवि बहादुरगढ़ की टीम विजेता रही और जयपुर की टीम उपविजेता रही थी, लेकिन इस बार दोनों ही टीमों में, जयपुर की टीम में इनके खिलाड़ी कमल और रवि बहादुरगढ़ की टीम में शेरू ढाबा इस बार नहीं खेल रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हैं। वाह भाई वाह शॉट, लेकिन आगे नेट तैयार अपना काम करती हुई, ये है जीता जी। वाह भाई जीता जी, जबरदस्त शॉट भाई, लेकिन जवाब भी बड़ा मस्त था ये, ले भाई शानदार ये। बहुत ही शानदार घोषणा, आर्थिक घोषणा श्रीमान चेतराम जी थालोड़ साहब ने इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए, खेल समिति जाट छात्रावास को इस प्रतियोगिता के लिए सहयोग राशि के रूप में 11,000 रुपए नगद दिए। जोरदार तालियां, स्वागत और अभिनंदन, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। शानदार भाई, बहुत अच्छा सहयोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन। स्कोर वही का वही है अभी भाई, स्कोर बड़ी मुश्किल से चलता है, हमारी टीम में होती तो 4-5 मैच करवा देते अभी, लेकिन ये तो पता नहीं, बॉल को गिरने ही नहीं देते हैं। कोई प्लेयर गलती करने के लिए तैयार ही नहीं है। दुर्गा राम जी कहते हैं गलती हमने की है, बाहर बैठे हैं ना, गलती मैं करी देना, मैं बाहर बैठे आगे, ऐ कौन करे गलती भाई, दुर्गा राम जी टेम हुई गलती कर काली बैठ गया बाहर। पंद्रह उन्नीस पंद्रह पकोड़ा आ गया, भूख लाग रही, गड़बड़ हो गया मामलो। बढ़िया बढ़िया शानदार, वाह अच्छे गरम गरम पकोड़े, चाय और पिला दें भाई एक बार कमेंट्री बॉक्स पे। जीता जी थे एक पकोड़ा का ना जाको, खेल का ना देखो भले, बारह आया पद खिला जा था ने दामो, एक चिंता मत करो। स्कोर वहीं का वहीं, याद ही होगा सभी को, 19-15। चल तो भाई शेयर कर दो जो भाई लाइव जुड़ रहे हैं। वाह ओहो बड़ा जबरदस्त प्रहार, लेकिन नेट बिल्कुल तैयार, अपना काम करने से बिल्कुल नहीं चूकती है।
दुर्गाराम जी खेले जन पोल मारे के नेट ना हो तो पार हो जाए। बेहतरीन शॉट इस बार थर्ड मैन के द्वारा और सर्विस चेंज 15-19 स्कोर वहीं का वहीं है। स्कोर सबको याद हो गए हैं 15-19। कई दर्शकों की मांग है कि 15-15 का 3 करा दो दिन के तीन ठी रोहर दुर्गा राम जी के घरे खैर को नियाड़ा एक ही कराओ 21 को। बहुत अच्छा मैच। अगले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। खेल समिति जाट छात्रावास बीकानेर वर्सेज दूसरा सेमी है भाई वीर तेजा क्लब गार्ड वाला। वाह जबरदस्त है। इस बार गार्ड वाला टीम के साथ चले जीता जी। दर्शक एक बार फिर से याद कर ले हुए स्कोर में कुछ तब्दील हुई है 16-19 एक अंक बढ़ गया है। अब याद रखें 16-19 तो कितना टाइम अगले अंकों में चेंज होने में लगेगा ये तो समय ही बताएगा या दोनों टीमों के खिलाड़ी कौन सा गलती करेगा उस पर डिपेंड करता है। ये भाई ओहो जबरदस्त प्रहार रवि के द्वारा। अरे वाह भाई वाह ओहो हो सिंगल हैंड से भी बड़ा जबरदस्त भाई बारों दोनों हाथों ही पार खोपड़े है सिंगल ही पार गल है। वाह इस मैच के बाद समाज के जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए सेल्फी पॉइंट स्टेज पे सम्मान के लिए तैयारी चल रही है। इस मैच के बाद वो प्रोग्राम होगा उसके बाद अगला सेमीफाइनल खेला जाएगा। फिर एक बार दोबारा याद कर लीजिए नोट कर लीजिए स्कोर 17-19। ये भी मामला जो क्वार्टर फाइनल हतुई वर्सेज खेल समिति की तरह 23 तक जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। चाय पिलाई जाए भाई 17-19 नहीं होया यार दसना सी तो पता ही नहीं लग गया। ये है जीता जी 29 तो लेके 5 तारीख का 5 तारीख का 29 तो 5
सेक्रेटरी को भेज दी और बात नहीं चला गए भाई इस बार रवि के प्रहार से कत्ती नहीं चला गई दो दिन के स्कोर वहीं का वहीं 17-19 बार चुके सर्विस एक बार 10-19-17 प्रीतम जी से निवेदन के एक बार कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे प्रीतम जी वो उधर लाइटें हैं वो बंद करें भाई ग्राउंड नंबर 2 की लाइटें बंद करें ग्राउंड नंबर 2 की लाइटें हैं वो बंद करें लाइट अगर एक साथ कनेक्ट है तो उनको घुमा दे उस तरफ रामकेश जी वेलकम है आपका लाइव में शेयर कर दें भाई आप इस बार दर्शकों में कुछ पॉइंट की उम्मीद देखो क्या मैच है पॉइंट की उम्मीद रहती है कि पॉइंट बन जाए काफी देर के बाद पॉइंट निकलता है कितनी दोनों एक दूसरे आदर्श स्कूल सर्विस अंक वही 17-19 आदर्श स्कूल गोसाई सिर बड़ा की तरफ से जो टीम जीतेगी उनको 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा जोरदार तालियां भाई और इस 500 रुपए के जोश में एक बार फिर गलती की रवि भादुरगढ़ की टीम ने सर्विस 10-19-17 बहुत अच्छा मुकाबला ठंड भी धीरे धीरे अपने मैच और पकौड़ों के अनुकूल होती हुई वाह भाई वाह इस बार बाहर दे मारा सर्विस से अरे वो मैच अब कराओ भाई जाओ गेट बार लो खुल लो ये दुर्गा महाराज ने कोई जिम्मेदारी सौंपी है मन लागे अब रोशी जाए बैठे क्या थकी को बेल्डिंग वालों चश्मो लगा लो पे मेरा हाथ में दिख गया ओहो अंक में इजाफा होगा टीमें दोनों बिल्कुल बराबर पहुंच चुकी है भाई 18-19 वाह भाई ये मुकाबला भी 23 तक पहुंच जाएगा पक्का ऐसे कुछ हमारे साथी भविष्य वक्ता है उनकी घोषणाएं हैं भाई वाह भाई वाह दो चार टीमें आई थी वो खेल के चली गई बड़ा शानदार मुकाबला पिछले मैच जो था फतुई गंगानगर का था मारे तो 5-7 पॉइंट आगे निकलता है दुर्गो जी के अब ब्याह तो बिगड़ी गयो बात ठोको टोरा लेकिन यहाँ इतनी पीछे होने के बाद भी टीम ने बराबरी की है बहुत शानदार मैच भाई बार आउट सर्विस सेंट 19-18 सर्विस भाई श्री श्याम ग्रेनाइट जयपुर की टीम
टाइम आउट भाई। उन्नीस अट्ठारह टाइम आउट, स्कोर बिल्कुल बराबरी पे रुका हुआ। इस मैच के बाद जो समाज की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने खेल में अपना नाम रोशन किया है अपने क्षेत्र का, उनका सम्मान के लिए दूसरी तरफ स्टेज पे तैयारियां चल रही है। जो भी खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हैं वो वहाँ उस स्टेज के पास मौजूद रहें, आराम से बैठें, उनको सह सम्मान के साथ सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया जाएगा इस मैच के बाद। उसके बाद अगला सेमीफाइनल खेल समिति जाट छात्रावास बीकानेर वर्सेस वीर तेजा क्लब गाडवाड़ा के बीच खेला जाएगा। बहुत अच्छा मुकाबला भाई यहाँ पे। एक बार फिर दूधिया रोशनी में छाया वाइए जाट हॉस्टल का ग्राउंड, जिसमें पहला सेमीफाइनल का भी कंटेस्ट। भैया जैसा कि पहले ही बताया था, रवि बहादुरगढ़ को कम ना माने आप, 18-19 सर्विस चेंज, मामला बराबरी पर अटक गया भैया। काफी अच्छा मुकाबला, बोली वीर तेजा जी महाराज की, महाराजा सूरजमल अमर रहे अमर रहे। बहुत शानदार और जानदार ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल, और लगभग दो घंटे हो गए इस मैच को चलते हुए, दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं है, और जीता थोड़ा पीछे जरूर किसके है लेकिन जीत से अब थोड़े ही दूर है भैया। और अगर ये रवि बहादुरगढ़ की टीम जीतती है तो 1100 रुपए नवल जी कड़वासरा पलाना और 2100 रुपए मुकेश जी सारण गांडवाड़ा। बिल्कुल उड्डा जी, दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी, ये तो बिच्छुओं की बरात है भाई, किसी के भी हाथ लगाओ, कोई जीता जी कम है ना कोई बंटी जी कम है, ना कोई नानू जी है ना टीटू जी है, और मामला बराबरी का पहुंच गया है भाई। दर्शकों में बड़ा जोश और उत्साह के साथ स्कोर 19-19 की बराबरी पे ये मैच यो जीत पाना दर्शकों के अनुमान के मुताबिक बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करेगा कौन से टीम के खिलाड़ी किस पे कब भारी पड़ जाए। जी बिल्कुल, इस समय रवि बहादुरगढ़ के पास मौका है चांस लेने का, और वैसा ही कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। और वही जयपुर की टीम चाहेगी यहां से चेंज करवाना, गेम पॉइंट तक अगर चले गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जयपुर के लिए। और ये करवा लिया चेंज, क्या बात है, क्या बात है भैया, 19 बराबर चेंज। बड़ा ही रोचक ये मुकाबला, और ये घोषणा है जो अर्चन जी बताएंगे। रवि बहादुरगढ़ की टीम अगर जीत जाती है तो 500 रुपए भागीरथ घाट नाथवाणा की तरफ से नगद दिए जाएंगे। जोरदार तालियां भाई, 500 रुपए लालचंद गोदारा की तरफ से रवि बहादुरगढ़ की टीम के जीत के ऊपर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। जोरदार तालियां भाई, जोरदार घोषणाएं, यूं ही दोनों चलती रहे भाई फटाफट, ताकि मैच कंप्लीट हो जाए, घोषणाओं के साथ मैच पूरा होगा। 19-19 की बराबरी पे सर्विस फिर से एक बार रवि बहादुरगढ़ के पास। बिल्कुल रवि बहादुरगढ़ को एक और मौका मिला, नवल जड़ रिपे कितना कर दे ठाकुर नेड़ा तो ले गया आज, लागता लागे मन दो
जे आज रिपिया ही में ला गया नहीं तो भड़क नहीं धारा कोई रिपिया को ले ला तो फतू ही ला गया नहीं मन ही में ला दो दिनों रिपिया 1100 जावे पाछा ले जावे सोगो नोट ही लगाए कौन नहीं दो दिन गया मान ले इसी टैक्स में लगावा क्यों लगावा कोड़ा कोड़ा ही एक बार फिर बालोट के पास सर्विस है 19 बराबर है दूधिया रोशनी में जाट होस्टल बीकानेर में महाराजा सूरजमल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल काफी अच्छा मुकाबला ओहो भैया तो फिर जाने चाल है रवि का हाथ तो आज गोला छोड़ रही है जय हो भाई बहुत शानदार और जानदार मुकाबला है क्या बात है अच्छा प्रहार उतना ही सुंदर डिफेंड रवि के द्वारा कोई किसी से कम नहीं है भैया दोनों ग्राउंडों में और इनका तो बात ही छोड़ो आप ओ हो सुपर से भी डुपर ईंट का जवाब वापस पत्थर से क्या बात है क्या बात बड़ा कसूता ठोके लोथे रवि के शॉट तो भैया बहुत ही खतरनाक है अच्छा प्रहार अमकड़ा भाईड़ा गमते लागे गाने गम आप रेफरी नोटेड गेम पॉइंट 19 जाट समाज ये सब प्लेयर जिन्होंने अपने अपने नाम लिखवाए हैं वो कृपया इस मंच की तरफ आ गए जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम लिखवाए हैं वो महाराजा सूरजमल प्रतिमा की तरफ इधर आके साइड में बैठ जाए जी बिल्कुल एक बार फिर आपको मैच की तरफ ले जाते हैं रवि बहादुरगढ़ गेम पॉइंट जयपुर 19 क्या यहाँ से चेंज करवा पाएंगे रे जयपुर ओ भाई हाथ नहीं ये हथौड़ा है वास्तव में बता दिया रवि ने भाई हथौड़ा क्या होता है आज कमाल कर दिया भाई जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिनके गार्जियन आए हुए हैं वो उनसे मुझे तो ऐसा लग रहा है एक बार जयपुर चेंज करवाएगी यहाँ से ओहो कमेटी आपका इंतजार कर रही है इसके तुरंत बाद आपको सम्मानित किया जाएगा मैंने तो दर्शकों को पहले ही बता दिया था रवि जब छंड खेल रहे थे मैंने कहा पूरी एनर्जी बचा रहे हैं और ये चेंज करवा ली भैया 19-20 सर्विस चेंज क्या बात है आज तो ये मैच पूरा नहीं होगा भैया कोई हारने का सोच नहीं रहा है दोनों ही टीमें जीतना चाहती है यहां से और ये 20 बराबर रेफरी नोटेड गेम पॉइंट 20 अगर यहां पे सर्विस चेंज हो जाएगी तो ये मुकाबला 23 अंकों पे चला जाएगा जो टीम पहले 23 पे पहुंचेगी वो विनर रहेगी जयपुर अगर एक अंक बना लेती है तो जयपुर विनर हो जाएगी अगर रवि बहादुरगढ़ चेंज करवा लेते हैं तो मुकाबला 23 पे पहुंच जाएगा फिर आराम से आधा घंटा और एंजॉय से इसी मैच को देखते रहेंगे आप लोग मामला गड़बड़ है दोनों ही टीमें पिछली बार की सेमी फाइनल खेली हुई टीमें हैं दोनों ही टीमें 20 गेम पॉइंट 20
देखते हैं इस बार क्या जयपुर की टीम अपना सेमीफाइनल के लिए टिकट पक्का करती है या रवि बहादुर फाइनल की सॉरी या रवि बहादुरगढ़ अपनी टीम को ले जाते हैं फाइनल में। देखते हैं, दोनों ही कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है भाई। लाखों की तादाद में दर्शकों ने अंदाजा लगाया लेकिन निकला कुछ भी अलग। लाखों दर्शक आज इस मैच को देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से भी कई लाख दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला, लगातार प्रहार पे प्रहार, कोई नहीं मान रहा हार और एक दूसरे पे कर रहे हैं लगातार वार। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला बड़ा ही रोमांचक। आज बॉल एक घंटे तक नहीं गिरेगी भैया, राइट बॉल या आउट, रेफरी श्री श्याम ग्रेनाइट ने 21-20 से ये मुकाबला जीत करके फाइनल में प्रवेश किया है। अभी ये जो प्रोग्राम करें